एक मंत्री कल्पना सोरेन बनेंगी, ये तय है। नहीं, मुझे नहीं लगता है, मुझे लग रहा है कि वो जैसे कहते हैं 12वां प्लेयर रखा जाता है ना क्रिकेट में, हाँ, कि अब हम नहीं रहेंगे, अब आउट हो जाएंगे अगर, तो तुम्हें संभाल लेना है। जो कि इस वक्त राजनीति की सबसे उभरती हुई, अगर आप सिनेमा की भाषा में बात करें तो हीरोइन है, और बिल्कुल ही अगर नेता की बात करें तो वह सबसे ऊर्जावान नेता है। बिल्कुल, और माना जा रहा है कि जितना योगदान झारखंड में जेएमएम को दोहराने में हेमंत का है, उससे कम बड़ा योगदान उनकी पत्नी और नेता नहीं। तो ऐसे में 12वां प्लेयर बनाना कहीं भूल तो ना हो जाए। नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जन ज्वार। दोस्तों, झारखंड सरकार तो बन गई है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बन गए हैं, लेकिन उनके मंत्रिमंडल का गठन अभी इशारों में चल रहा है। अलग अलग दावेदारियां चल रही हैं, अपनी पसंद के नेताओं को लोग मंत्री बनाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। वहीं माना ये जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने भी और राजद, चूंकि ये दोनों सहयोगी दल हैं जेएमएम के साथ, उन दोनों ने भी अपनी लिस्ट फाइनल कर ली है। हालांकि सीपीआईएम लिबरेशन इस पूरे मंत्री के झंझट से बाहर है। ऐसे में ये जानना बेहद दिलचस्प होगा और झारखंड के लिए जरूरी भी कि जेएमएम के खाते से कौन लोग मंत्री बनने जा रहे हैं, कांग्रेस के खाते से कौन लोग और आरजेडी की तरफ से कौन लोग, क्योंकि यह इन लोगों के मंत्री बनना ही अगले 5 साल तक सरकार की दशा, दिशा और प्रगति की रास्ता तय। इन चीजों को जानने और समझने के लिए हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान और झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार सहरोज कमर साहब। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो सरकार के मंत्रिमंडल का गठन है वह किन नामों की तरफ बढ़ रहा है और कौन से नाम जरूरी हैं जिससे कि प्रगति की रास्ता झारखंड सरकार का बनेगा और जो वादा करके सरकार आई है उसको वह पूरा कर पाएगी। सरो साहब, आपका स्वागत है और हम आपसे यही जानना चाहेंगे, सबसे पहले पाठक दर्शक भी यही जानना चाहेगा, आपको क्या लगता है कि अब तक जेएमएम और कांग्रेस आरजेडी की तरफ से कौन कौन लोग मंत्री पद की पंक्ति में सबसे आगे हैं संभावना में भी? देखिए अजय भाई, हेमंत सोरेन इस बार चाहते हैं कि कदम फूक फूक कर रखा जाए और ये घबरा भी नहीं रहे। पहला सवाल ये उठा कि अकेले उन्होंने शपथ क्यों ग्रहण की। दरअसल वो बताना चाहते थे विपक्ष को भी और अपने जो अलाई है उनके गठबंधन के जो दल है उनको भी बताना चाहते थे कि जो जीत है ये जीत हमारी जीत, ये जीत इंडिया अलायंस की जीत नहीं है, जेएमएम की जीत है और हमारे बूते आप भी जीत कर चले आए हैं, ये हमारी मेहनत थी और हमारी लहर थी इसलिए आप आए। और इसलिए वो अपना मेगा शो करना चाहते थे, इसलिए वो अपना मेगा शो उन्होंने किया। और दूसरा वो ये चाहते हैं कि पूरा समीकरण साध लिया जाए, जैसे कि पांचों परमंडल है उनको साध लिया जाए, जो जातीय समीकरण है उसे भी साधा जाए। और सिर्फ अब क्या कि एक साथ तो बंदे नहीं है, 6 का 4 का और 1 का ये तय हुआ है। 6 यानी कि सीएम जो है हेमंत सोरेन उनको मिलाकर अब वहां 5 बच जाते हैं और उसके बाद फिर 4 कांग्रेस और 1 आरजेडी। और मालिक की बात जहां तक दीपंकर जी ने कहा कि भाई हमें तो निमंत्रण ही नहीं मिला, दावत ही नहीं मिली, ना कांग्रेस ने कोई ऐसी बात की ना जेएमएम ने ऐसी बात की, आप लोग क्यों मीडिया में चलाने लगे पता नहीं, लेकिन अगर ऐसी बात भी होगी तो हम शामिल नहीं होंगे ये उन्होंने कहा। अब ये पता नहीं उनकी गलती है या क्या है, ऐसा ही ज्योति बसु पीएम बनते बनते रह गए थे, मना कर दिया था पार्टी ने, ये खैर अलग सी बात है। ये साधना चाहते हैं या सब मिलाकर साधना चाहते, देरी की एक ये भी वजह है और दूसरी देरी की वजह रही कि कांग्रेस में लेट लतीफी रही, हमेशा करती रही है, चुनाव के समय भी देखा गया जी कांग्रेस निर्णय लेने में पता नहीं क्या कारण रहता है, तो एक ये कारण है कांग्रेस का। अब कौन कौन बनेगा, बात ये चलेगी कि क्या रिपीट होंगे पुराने चेहरे या फिर नए चेहरे को भी मौका मिलेगा, तो नए चेहरे में तो मौका इसलिए मिलेगा कि अब 2-3 लोग तो अब है ही नहीं, जैसे कि अगर पुराने लोगों में बात करें जगन्नाथ महतो कोरोना में चले गए थे, हालांकि उनकी पत्नी को मौका दिया गया था लेकिन पत्नी चुनाव हार गई, एक तो वैसे ही खाली हो गई थी। उसके बाद मिथिलेश ठाकुर जेएमएम से थे, गढ़वा से चुनाव हार गए, वो भी मंत्री नहीं बन सकते, तो जेएमएम में तो 2 पद तो ऐसा ही हो गया, तो 2 तो नए आएंगे जाहिर सी बात है। अब 3 जो है चंपई सोरेन, हाँ चंपई सोरेन भी थे जी, अच्छा आपने याद दिलाया,
चंपई सोरेन नहीं, चंपई सोरेन गए थे तो इनको बना लिया गया था ना, हेमलाल मुर्मू बने थे, मिस्टर बने थे ना अभी उनकी जगह पर बने थे, जो हेमलाल मुर्मू तो जीत कर आ गए, चंपई सोरेन तो नहीं है। वो तो बीच में बना था कि जब चंपई सोरेन सीएम बने थे तो हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन मंत्री बन गए थे। पाकुड़ वाली सीट पर भी थोड़ा ध्यान देना होगा। हाँ, पाकुड़ निषाद आलम है, वहाँ वहां से जो जीत कर आई है, उनके पति अभी जेल में जो आरोप उन पर लगे जी। तो वो तो कद्दावर नेता थे, नेक्स्ट तो सीएम कह जाते थे, बड़े लीडर थे, संसदीय दल के नेता भी थे जी। दखल रहती थी उनकी हर फैसले में, निर्णय में, संसदीय कार्य मंत्री भी थे और विभाग उनके पास थे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उनकी पत्नी बनेंगी। लेकिन कल इस चीज को बहुत से लोगों ने ये नहीं किया, क्या कहते हैं, रीड नहीं किया, रेखांकित नहीं कर रहे लोग। कल क्या है कि हेमंत सोरेन से मिलने गए थे इरफान अंसारी और मिलने गए थे संजीव सरदार, ओटका से जो जीत कराए और अर्जुन मुंडा की पत्नी को हराया, मीरा संजीव सरदार। और बड़े समान ढंग से रहते हैं, वो साइकिल से दौरा करते हैं गांव में, बिल्कुल गांव के लोगों से मिलते जुलते हैं। आपके यहाँ पीछे वीडियो में हमने चर्चा किया था कि भूमिज आदिवासी बहुत कम है झारखंड में और पोटका में ही है, कोल्हान में पड़ती है पोटका सीट, वहां से जीत कराया। तो वो मिलने गए थे और इरफान अंसारी, हालांकि कॉरिडोर में हल्ला ये थी कि वो तो दिल्ली चले गए इरफान अंसारी, जबकि इरफान अंसारी यही थे, दिल्ली नहीं गए, पिछले बार गए थे, अभी नहीं गए थे। तो बॉडी लैंग्वेज अगर देखिएगा तो संजीव सरदार के चेहरे पर एक चमक थी और ये गुलदस्ता देते हुए भी इनके चेहरे पर वो चमक नहीं थी, क्योंकि बड़ा खिखलाते हुए रहते हैं हर समय इरफान अंसारी, उनके अंदर एक लड़कपन है, जिंदा है बचपना उनके अंदर, हंसते रहेंगे, बोलते रहेंगे हर समय, वो गंभीर बात भी हंसते हंसते बोल देंगे वो याद। लेकिन कल मैं पहली बार देखा, मतलब कि उनका चेहरे पे एकदम एक उदासी सी, सीएम से मिलते समय हो या उसका सीएम बाहर निकले, सीएम ने पत्रकारों से मुखातिब हुए, पत्रकार से बातचीत की, तब भी उनके चेहरे पर एक उदासी सी झलक करी थी इरफान अंसारी की जी। तो कल से मैं सोच रहा हूँ तो हम लोग सरू साहब हिस्सा बांटते, पहले जेएमएम के खाते से बनने वाले मंत्रियों का जिक्र करते हैं, फिर हम कांग्रेस की तरफ आएंगे। नहीं, वहां जेएमएम भी है ना, संजीव सरदार जेएमएम भी है जी। तो जेएमएम के चेहरे पर तो चमक थी संजीव सरदार की, जो अर्जुन मुंडा माना जा रहा है कि वो मंत्री बनाए जा सकते हैं, हो सकता है। हाँ, ये कह रहा हूँ एक मंत्री कल्पना सोरेन बनेंगी, ये तय है। नहीं, मुझे नहीं लगता है। अच्छा, अजय भाई तो जी आप रखिए बात, बिल्कुल। हाँ, कई लोगों को लग रहा है कि मुझे मुझे लग रहा है कि वो जैसे कहते हैं 12वां प्लेयर रखा जाता है ना क्रिकेट में, हाँ, कि अब हम नहीं रहेंगे, अब आउट हो जाएंगे अगर, तो तुम्हें संभाल लेना है, अब तुमने साथ साथ सारी चीजें देखनी है, अब आपके पास हो सकता है खबर हो। नहीं, लेकिन 12वां प्लेयर आमतौर पर कई बार काम नहीं भी आता और बेचारा बैठा हुआ वापस अपने घर चला जाता है। फिर क्या मतलब, कल्पना सोरेन जो कि इस वक्त राजनीति की सबसे उभरती हुई, अगर आप सिनेमा की भाषा में बात करें तो हीरोइन है, और अगर नेता की बात करें तो वह सबसे ऊर्जावान नेता है, और माना जा रहा है कि जितना योगदान झारखंड में जेएमएम को दोहराने में हेमंत का है उससे कम बड़ा योगदान उनकी पत्नी और नेता नहीं है। तो ऐसे में 12वां प्लेयर बनाना कहीं भूल तो ना हो जाए। नहीं नहीं, देखिए क्या हो, क्या कारण क्या है, वही परिवार वाला मामला जो है, फिर बसंत सोरेन का दबाव बढ़ेगा जी। तो भाई को भी बनाना, पत्नी को भी बनाना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, मंत्रिमंडल हो जाएगा बहुत ज्यादा। हाँ, ये बड़ा बोला ना, कदम फूक फूक कर रखना चाहते हैं हेमंत सोरेन इस बार, क्योंकि जो राइवल है, जो विपक्ष है, वो ऐसी तैयारी में रहता है कि फिर लेकर ले उड़े इस मुद्दे को लेकर, इसलिए बचना चाहते हैं हेमंत सोरेन। तो मुझे नहीं लगता है कि कल्पना सोरेन, हाँ, जहां वहां से अगर बन सकती है, बेरमो से हराया है जयमंगल सिंह उर्फ अनूप भैया ने, वो कांग्रेस से, पहले जेएमएम की बात कर लेना, जेएमएम की बात कर ले तो जेएमएम से मुझे लगता है महिला कोटे से अगर बनाएंगे तो जामा से जो जीत कर आएंगे लुईस मरांडी, क्योंकि भाजपा से जेएमएम में, बीजेपी से जेएमएम में जी, और जेएमएम में भी वो मंत्री रही है, अनुभवी है, बहुत अनुभवी है, समझदार है, मंत्रालय बहुत अच्छे से संभाला, किसी तरह की कोई शिकायत नहीं मिली थी, और विजन भी रखती है वो,
हालांकि उस पर भाजपा ने अमल नहीं किया, बड़ा अच्छा प्लान लेकर आए थे, एक बहुत अच्छा उनका प्लान था, क्योंकि वो अल्पसंख्यक मंत्रालय में बीट भी देखता था मैं, तो उनकी एक बड़ी अच्छी योजना थी अजय भाई, वो ये थी कि जितने शहीद हैं बिरसा से लेकर जितने उनके जो गांव है ना उसको उनको विकसित किया जाए, ये उनकी योजना लेकर आए। हालांकि फंड की कमी रही क्या रहा और अघोर सरकार उस पर चल नहीं पाई, उस काम को अंजाम तक नहीं पहुंचा पाई। तो मैंने देखा, मैं मिला हूँ बातचीत को, विजन है रखती है वो और अनुभवी है, तो मुझे लगता है कि लुइस मरांडी तो एक होंगी और सब साधना आपको कहा तो पलामू से जो है, पलामू से मुझे लगता है कि मिथिलेश ठाकुर अपर कास्ट के थे चले गए, देख अनंत प्रताप देव वो भी एक बड़े लीडर थे कांग्रेस ये भाजपा के, भानु प्रताप शाही फायर ब्रांड कहे जाते हैं योगी स्टाइल वाले, तो उनको हरा कर आए हैं अनंत राज भवनाथपुर से जी, तो उनको छोटे राजा कहा जाता है, उनका मंत्री बनना तय लग रहा है उस कोटे से, क्योंकि पलामू में ठीक ठाक सीट लेकर आई है जेएमएम, वहां से इंडिया लाइन्स लेकर आई है, कई कद्दावर लीडर वहां से हारे, जैसे वो आए हारे स्वास्थ्य मंत्री थे भाजपा सरकार में चंद्रवंशी जी, रामचंद्र चंद्रवंशी सीनियर लीडर, वो हारे, कई लोग हारे हैं और इनके भी मंत्री हारे मिथिलेश ठाकुर, तो एक वो है, एक लुइस मरांडी हो गई और एक संजीव सरदार की जो चर्चा मैंने की, तीन हो गए, दो दीपक बिरुवा और रामदास सोरेन जो पिछले, तो ये धनबाद प्रमंडल क्या इसमें आएगा? सुन बता रहा हूँ, रामदास सोरेन जो है वो संथाल हैं, दीपक बिरुवा वो हैं, संजीव सरदार भूमिज हैं जी, और अनंत प्रताप देव पलामू भी हो गए जी, है ना, संथाल कर लिया संथाल कर लिया कोल्हान कर लिया ठीक है ना, और संथाल में दो नाम हो जा रहे हैं, एक के एक तो लुइस मरांडी भी है, हालांकि मरांडी जो है संथाली है नहीं, मार्डी जो है वो संथाली होते हैं, मरांडी संथाली नहीं होते, लेकिन संथाल से जीत कर आई है जो, एक वो है और ये कोल्हान से एक से रामदास सोरेन, क्योंकि चंपाई सोरेन हटने के बाद रामदास सोरेन को ही बनाएगा और उसके बाद उनको टाइगर टाइगर की तरह ही प्रोजेक्ट भी किया गया चुनाव से पहले भी, चुनाव के दौरान भी, तो वो है संजीव सरदार बताया भूमि से आ जाते हैं, क्योंकि बड़ी सीट है ना कि अर्जुन मुंडा की पत्नी को हराना जी, ये बड़ी बात थी और अर्जुन मुंडा वहीं फंस कर रह गए थे, जितने बड़े बड़े दिग्गज थे अपने सीट पर फंस गए थे सब, चाहे अमर बाबरी हो, ये हो, बाबूलाल मरांडी हो, सभी फंस गए थे अपनी जगह। तो अगर आप मंडल की दृष्टि से देखें, कमिश्नरी की दृष्टि से, तो क्या ये सभी कमिश्नरियां हो पाएंगी? नहीं, मैं यही तो बता रहा हूँ आपसे ना, देखिए पलामू हो गए, संथाल हो गए, है ना, अभी दक्षिणी छोटा नागपुर का मामला अटका हुआ है, अब किसको ये इसमें से माइनस करेंगे, क्या संजीव सरदार हटेंगे या दीपक बिरुवा हटेंगे, इस पर बात चल रही है। और मुझे दीपक बिरुवा का हटने का ज्यादा इसलिए लग रहा है कि सोरेन जो है रहने वाले ठीक है कि वो संथाल है, ये संथाल का कोटा तो मरांडी लुइस मरांडी पूरा कर देंगी, तो रामदास सोरेन जो है और दीपक बिरुवा जो है हो जनजाति से आते हैं, सोरेन जो है ये संथाली टाइटल है और मार्डी ये सब बास्के ये सब सब संथाली लोग, लेकिन संथाली तो है रामदास सोरेन लेकिन संथाल में नहीं रहते, रहते हैं कोल्हान में, दीपक बिरुवा भी कोल्हान में, लेकिन कोल्हान के हैं ये हो जनजाति से हैं, हो जनजाति की भी उपस्थिति कम, दीपक बिरुवा को बहुत बाद में मंत्री बनाया गया, बहुत पहले से मांग चल रही थी और हो की इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण मांग है कि उनकी हो भाषा है जिसकी अपनी लिपि भी लंबित मांगे हैं और चिट्ठी भी लिखी थी और अभी चुनाव से पहले पहले एक प्रतिनिधिमंडल भी गया था दिल्ली, होम मिनिस्टर से मिला भी था, ये सब सारी बातें सामने आई थी कि हम हो जनजाति को दर्जा देंगे, गृह मंत्री भी बोले थे, पीएम भी आकर यहाँ बोले थे, तो उसको अगर माइनस करते किसी ना किसी को तो एक को करना पड़ेगा, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि उत्तरी छोटा नागपुर जाए, जो आपने अनूप सिंह की बात की, तो टुंडी से महतो यानी कि कुड़मी समुदाय का भी प्रतिनिधित्व हो, बड़ा फैक्टर बनकर उभरा इस बार और बड़े लीडर है जेएमएम के मथुरा प्रसाद महतो जो टुंडी से जीते हैं, तो उनकी संभावना मुझे लगती है कि किसी एक को ड्रॉप किया जाए इसमें से और एक उधर से लिया जाए, और अब आप
करेंगे कि अब दो और प्रमंडल रह जाते हैं, ये सिर्फ दक्षिण छोटा नागपुर एक प्रमंडल रह जाता है जी। तो ये कोटा हो सकता है कि जेएमएम चाहेगी कि हमसे नहीं हो रहा तो ये कांग्रेस जो है इसको, कांग्रेस को भर, हाँ कांग्रेस इसको पूरा करे। अनूप सिंह का तो नाम है, मुस्लिम कोटा भी है जो कि जेएमएम नहीं भर पा रही है। हाँ हाँ देखिये वो मैं मिस कर गया, देखिए दिमाग में नहीं था वो हफीजुल हसन तय है, एक दो को ड्रॉप करेंगे वो, हाँ। एक दो तो ड्रॉप तो ऐसे ही माइनस हो गया था, पहले कहा था तीन में दो, लेकिन एक और किसी को करना पड़ेगा तो वो एडजस्ट करेंगे फिर हफीजुल हसन को। हफीजुल हसन तो बन नहीं बनता है हफीजुल हसन का, हफीजुल हसन और एमटी राजा नहीं बनेंगे, एमटी राजा पहली बार जीते हैं, एमटी राजा कई पार्टियों में घूम टहल कर आए हैं और हफीजुल हसन का परिवार जो है डेडिकेटेड रहा है और हाजी हुसैन अंसारी बड़े सीनियर लीडर रहे जेएमएम के, आंदोलनकारी रहे, तो हफीजुल हसन का तो बनना तय है। अजय भाई कहीं नहीं जा रहा है हफीजुल, अब मुझे लगता है इरफान अंसारी का भी तय है, लेकिन कल का वो मैं जो तो देख रहा हूँ पता नहीं क्या मामला है, और चीजें खुल कर आएंगी क्योंकि कभी मैं बता रहा हूँ ना, हमेशा या मैं मिला हूँ चाहे मैं तस्वीर देखूं या आप भी देखिए, तो हमारी जानकारी के हिसाब से दीपिका पांडे सिंह जो झंझार तो कांग्रेस, हाँ कांग्रेस, कांग्रेस के खाते से दीपिका पांडे सिंह और इरफान अंसारी ये दो लोग तय माने जा रहे हैं। इरफान का मैं भी तय मान रहा हूँ, हाँ लेकिन कल का पता नहीं, जो नाम है हाँ। वो है रामेश्वर उरांव और प्रदीप यादव, इसके दावे किए जा रहे हैं, संभवतः ये लोग भी हो सकते हैं क्योंकि कांग्रेस ने अभी जो ताजा जानकारी है उसके अनुसार कांग्रेस ने अपने चारों सीटें तय कर दी है और 16 में से जो चार चार का था उस अनुसार उसमें दो की चर्चा पहले से ही थी और दो और को जोड़ दिया गया जिसमें उरांव साहब हैं, रामेश्वर उरांव और प्रदीप यादव, ये माना जा रहा है। और राजद के भी कोटे से चीजें तय हो गई हैं लगभग, और वो सुरेश पासवान देवघर सीट से जिन्होंने देवघर को अयोध्या बना दिया उनका नाम आ रहा है। आपको क्या हाँ, लगता है राजद संसदीय दल के नेता भी बने हैं, विधायक दल के नेता भी बने हैं, विधायक दल के नेता भी हैं। तो अब आप बताएं कि ये टैली क्या ठीक है जो कि हम लोगों के पास जानकारी, नहीं नहीं सही कह रहे हैं आप, तो इसमें क्या इरफान अंसारी तो मैं भी पहले से पक्का मान रहा था, मान के चलिए इरफान अंसारी का, लेकिन कल का जो मैं देख रहा हूँ कल ये बात कहनी चाहिए कि नहीं, लेकिन मुझे कल जो देखा क्योंकि मैं अब तक जितनी बार उनसे मिला, जितनी बार उनके वीडियो देखी, जितनी बार उनकी तस्वीरें देखी, कभी उनके चेहरे पर वैसी उदासी, मतलब वैसी उदासी जैसे कि उनकी मां डेथ की थी अभी एक दो महीना पहले, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ आप देखिएगा वीडियो, नहीं तो मैं आपको भेजूंगा उस वीडियो को आप देखिएगा, एकदम उदास चेहरा इरफान अंसारी का, और ये बड़ा हनुमान मानते हैं अपने आप को, हेमंत हेमंत का हनुमान मानते हैं, और राम कहते हैं, अभी एक पोस्ट भी लिखी थी जिस पर सीता सोरेन की बेटी ने आरोप फिर इल्जाम लगाया कि मेरी माँ सीता है आप उनको राम बता रहे हैं, ये बड़ा अच्छी बात नहीं हमारे समाज के लिए, ये वो अपना जो अपने ढंग से उस मामले को लिया, जयश्री बेटी जो है तो, और ये इनके करीबी थे। अगर अगर मोटा मोटी यही आसपास हैं कि जेएमएम के जिनके हाँ। नाम बताए आपने और कांग्रेस में ये अजय भाई वो ये कि इरफान साहब और ये दीपिका पांडे इनको मौका दर से मिला नहीं, मंत्री तो अभी अभी बने थे, प्रदर्शन करने का मौका कहाँ मिला, लेकिन कम समय में भी इन लोगों ने ठीक ठाक बैटिंग की है, ठीक ठाक काम किया था, खास करके दीपिका सिंह पांडे ने अच्छा काम किया है और उनके जीत में उसकी भी बड़ी भूमिका रही, तो कम समय में उन्होंने अपने इलाके में काम किया, तो मुझे भी था कि वो तो बनेंगी, उससे क्या है कि श्रवण समाज से आ जाती हैं, ये महिला है, तेज तर्रार है, पढ़ी लिखी है, वोकल है, उनको मौका मिला नहीं है, तो बहुत तेज तर्रार है, बहुत संघर्षशील महिला रही है, मतलब बैरिकेड तोड़ के फांद जाना ये सब, बड़ा संघर्षशील महिला वो, तो ये सब रहे। अच्छा सिर्फ वही नहीं है, जाति समीकरण भी साथ दिया जा रहा है, उनके उनके पति जो है वो कुशवाहा या कुर्मी समाज से हैं, शादी जहां हुई है उनकी जी, तो दो दो जातीय समीकरण भी, और लेकिन वो ये बात हो जा रही है कि संथाल वो भी संथाल से, और आपने जो जिक्र किया प्रदीप यादव वो भी उधर से ही आ रहे हैं। अब जब दो बड़े नेता गिर गए, दो बड़े पहरुए थे कांग्रेस के पास,
एक का नाम है बन्ना गुप्ता और दूसरे का नाम है अजय कुमार। अब ये दोनों जब पिलर गिर गए हैं तो कांग्रेस के पास रांची वाली जो सीटें हैं वहां से एक संभावना है, जहां से कांग्रेस जीती है, संभवतः खिजड़ी से कांग्रेस जीती है। राजेश कच्छप का नाम आ रहा है। हाँ, राजेश खिजड़ी से, हाँ ये दूसरी बार जीते हैं। लेकिन एक और नाम आ रहा है, देखिए वो कांके से पहली बार 35 साल में पहली बार कांग्रेस वहां से जीती, अब वो भी दिल्ली सीट है। बात चल रही कि अगर आरजेडी अगर संजय प्रसाद यादव को, बड़ा वोकल लीडर है, गोड्डा से जीत कर आए हैं, गोड्डा वो इलाका या निशिकांत दुबे है ना, वहां से जीत कर आए हैं गोड्डा से, तो वो उनको बना दिया जाए मिनिस्टर, वो एक बार रहे भी हैं संजय प्रसाद यादव, और इनको विधायक दल का नेता बना ही दिया आरजेडी ने, जो सुरेश पासवान है, सुरेश पासवान यहाँ से देवघर वाले, तो दलित कोटे से कांग्रेस जो है कांके के जो विधायक है उनको मंत्री बना सकते हैं, ताकि कांग्रेस सीट पर भी ठीक ठाक और काम हो सके वहां के लोग को, है ना। बिल्कुल, अभी ताजा ताजा हिस्सा ही मिला है, चाहे राजेश कच्छप हो या फिर कांके की सीट हो। हाँ, कांके की सीट ऐसी है कि जिसको हाँ, कि कांग्रेसी बनाने का काम अभी बाकी है। हाँ नहीं, खिजड़ी तो ऐसा था कि वहां वो आज हम कल तुम वाली स्थिति रहती थी, कभी भाजपा कभी कांग्रेस जीत जाती थी, लेकिन कांके में पहली बार है, तो इसलिए मुझे लगता है कि कांके वाले हो सकता है बने, दीपिका बने, इरफान बने, तीन, अब एक रामेश्वर उरांव। अब देखिए इस पर भी लोग कह नहीं रहा, लेकिन सुबोध कांत सहाय क्यों बार बार दौरा लगा रहे हैं ये बात, सुबोध कांत सहाय को क्या करना है। हाँ, ये समझ में नहीं आ रही लोगों को बातें, कि आप तो भाई सेंटर में भी मिनिस्टर रहे, बड़ा बड़ा पद आपने संभाला, तो आप लॉबिंग क्यों कर रहे हैं। तो कहा जा रहा है लॉबिंग करने की, बस वो जो गुटबाजी है ना यहाँ पर, तो रामेश्वर उरांव अध्यक्ष रहे हैं एक समय यहाँ कांग्रेस के, तो राजेश ठाकुर से पहले वही थे, उसके बाद फिर राजेश ठाकुर आए, तो सुबोध कांत सहाय का गुट पसंद नहीं करता इनको ये गुट, जबकि अनुभवी हैं, बुजुर्ग हैं और आईपीएस अधिकारी रहे हैं, पठासनी का अनुभव है। कमर साहब, समय होने वाला है तो उससे पहले एक बात अब हम करते हैं कि जिन नामों का आपने जिक्र किया या जिन संभावनाओं का आपने जिक्र किया, आपको लगता है कि अगले 5 वर्षों तक अगर यह लोग मंत्री बने तो हेमंत सरकार उन वादों को, उन मुद्दों को, उन घोषणा पत्रों के पॉइंट्स को पूरा कर पाएगी जनता के हक में, जिसका वादा करके ये लौटे हैं और जिस उम्मीद में झारखंड की जनता ने 24 साल में इतिहास रचा है कि किसी एक मुख्यमंत्री को दोहराया है। जी नहीं, नहीं कोशिश तो रहेगी हेमंत सोरेन की, खास करके मैं कह रहा हूं, मैं कांग्रेस की बात नहीं करता, क्योंकि ये देखिए ज्वाइंट का एक घोषणा पत्र इन लोगों का था नहीं, बहुत आया भी तो कांग्रेस का था, उसको कह दिया कि ज्वाइंट है, आपसी सहमति बनी नहीं थी। आप जब तीनों का देखेंगे अलग अलग, आरजेडी का, कांग्रेस का और ये जेएमएम का, कई बार मतभेद भी नजर आएंगे कई, लेकिन अगर मतभेद है तो जैसे कांग्रेस लेकर आई 2500 रुपए की बात, उसको तो पूरा करने जा रहे हैं हेमंत सोरेन, उसको तो करेंगे, उसमें तो नहीं चोट पर करने जा रहे हैं, नहीं इसमें कई लोचे आ गए, उसमें 2500 आ गया कि उसको आवासीय जरूरी है, कि वो महिला जो है शादी करके आई है तो कौन, अगर वो यहाँ की निवासी है तो ही मिलेगा। अच्छा, हाँ मतलब झारखंड की रहने वाली होनी चाहिए। हाँ, झारखंड की रहने वाली हो, अगर बिहार से आपने ब्याह कर ले आए हैं तो उसको पैसे नहीं मिलेंगे। अच्छा, भले वो जो शादी करने वाला हो वो अगर झारखंड का है तब भी नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेगा। हाँ, उसका आवासीय होना चाहिए, और अब ये है कि हरा पीला ये सब कार्ड जो है उनमें से कोई एक होना चाहिए, तो ये सब चीजें हैं, इस पर विवाद होगा ये आवासीय वाला, ये अभी अभी जो कैबिनेट में अभी पास किया उन्होंने, नहीं पूरा तो करेंगे, मुझे लगता है हेमंत सोरेन पूरा करेंगे, बिल्कुल पूरा करेंगे। हेमंत सोरेन ने ठान लिया और उनके वोटर्स ने भी ठान लिया है कि झारखंडी अस्मिता, देखिए 24 साल हो गए थे कोई सरकार बनी नहीं थी, ये भी बने, सरकार में शामिल तो रहते थे हेमंत सोरेन ना, लेकिन अधिकार उतने नहीं रहते थे, गठबंधन की सरकार होती थी, भाजपा की सरकार साथ भी रहे, आंदोलनकारी पार्टी रही, इनका अपना एक सपना रहा, वोटर्स का भी एक सपना रहा, उसे पूरा करना है तो वो तो पूरा करेंगे। ये है, आपने नहीं देखा कि केस तक अब कोर्ट तक जाने को अब तैयार हैं, जो 16,000 करोड़ बकाया है इसके लिए, ताकि कुछ हम कर सकें,
और वो भी एक और मुद्दा देखिए, झारखंडी अस्मिता को लेकर क्या संप्रतिनिधि मंडल जाएगा मंत्रियों का, और ये हम सारी चीजें पहले बोलते रहे और अभी तो और भी कैबिनेट पास होता हो तो मंत्री शपथ नहीं लेते, फिर जो दूसरी कैबिनेट होगी मंत्रियों की शपथ के बाद तो देखिएगा बहुत सी चीजें और सामने आएंगी, मुझे लगता है, मैं आशान्वित हूँ होगा, ऐसा नहीं होगा। मतलब हेमंत सरकार एक स्थिर सरकार और एक प्रगतिशील सरकार बनने की तरफ बढ़ेगी, आपको ये लगता है? हाँ, स्थिरता के मामले में कोशिश करेगी भारतीय जनता पार्टी 6 महीने के बाद कि कांग्रेस के लोगों को तोड़ा फोड़ा जाए, लेकिन उससे भी हेमंत सोरेन लोगों को, कांग्रेस के लोगों को क्यों तोड़ा फोड़ा जाए, वो लोग क्योंकि वो पता नहीं, वो कमजोर, देखिए क्या होता है ना, जब कमजोर साबित होते हैं ना, कर्नाटक से लेकर गोवा से लेकर मध्य प्रदेश तक लोगों ने देखा है, ऐसा देखा गया है, इसलिए आशंका रहती है, लेकिन फिर भी घबराने वाली बात नहीं है, उनके पास 34 है और आरजेडी के 4 है, माले भी है ही, सब 40 हो जाते हैं, अगर कांग्रेस अगर माइनस भी हो जाए ना तो भी घबराने की बात नहीं है, जयराम बाबू को फटा लेंगे बहुत जल्दी, 41 हो जाएगा। लेकिन हाँ, वो तो कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री मटेरियल हूँ, उप मुख्यमंत्री या विधायक मटेरियल नहीं हूँ। नहीं, यहाँ ये बात आपका कहना सही है कि वो आएंगे तो नहीं, लेकिन किसी और को, बहुत से लोग रहते हैं। नहीं, मधु कोड़ा बनने के चांस तो झारखंड जैसे राज्य में खुले ही रहते हैं, उसमें क्या। हाँ, कोई ठीक नहीं, लेकिन मुझे लगता है वो जिद्दी स्वभाव के हैं, उनका भी एक टारगेट है और उनका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा अगर तुरंत वो किसी गठबंधन में शामिल हो जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं अगर, हाँ अगर लंबे दिनों तक राजनीति करनी है। इस बात को पूर्व सांसद जो भाजपा में भी रहे कांग्रेस में भी रहे अशोक महतो, शैलेंद्र महतो भी कह रहे थे पिछले दिनों जी, अगर जयराम महतो किसी भी पार्टी में शामिल होंगे किसी मंत्री विधायक बनने की वजह से तो उनका हाल भी सुदेश महतो वाला होगा। बिल्कुल सही, मुझे लगता है कि अब हमारी समय सीमा पूरी हो गई है। हाँ, ठीक है, ठीक। और हम लोग बातचीत कर रहे थे सहरोज कमर साहब से, वह झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार हैं, और हम हल्के पुलके ढंग से और थोड़े गंभीर ढंग से भी यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि झारखंड के अगले संभावित मंत्री क्यों और कैसे हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय आधार, प्रमंडलीय आधार, जाति और धार्मिक आधारों को भी हेमंत सरकार देखकर फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रही है। और उन्होंने इस पूरी बातचीत में जो सबसे बड़ी बात कही कि कल्पना सोरेन हो सकता है कोई मंत्री पद न पाए, अन्यथा बसंत सोरेन का भी प्रेशर बढ़ेगा और इस तरह परिवार के ही 3 मंत्री बन जाएंगे तो यह मंत्रिमंडल झारखंड का कम और सोरेन परिवार का ज्यादा। खैर, समर्थकों को बुरा लग सकता है, थोड़ा सा आहत हो सकते हैं, फैन फॉलोइंग बहुत बड़ी है कल्पना सोरेन की, हो सकता है उनके लिए कोई नया रास्ता निकले, हो सकता है वो मंत्री बन जाए, यह सब कुछ अगले 2 से 3 दिनों में बहुत साफ हो जाएगा। 9 से 12 दिसंबर तक वहां विधानसभा चलनी है। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जन सहयोग की बदौलत चलता है, आप भी जन सहयोग में शामिल हो और आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाभियान में शामिल हो। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जनज्वार, जनता की मीडिया।